गृहमंत्री अमित शाह आगामी 11मी अने 12मी जुलाईना रोज अमदावाद आवी रह्या छे। बे दिवसना रोकाण दरमियान तेओ जमालपुर स्थित भगवान जगन्नाथजीना मंदिरे अषाढ़ी बीजना दिवसे दर्शन करशे। तेओ दर वर्षे अषाढ़ी बीजे रथयात्रा पहला सवारे थती मंगला आरती में परिवार साथे उपस्थित रहे छे। गत वर्षे कोरोनाना कारणे हाईकोर्टे रथयात्रा सामे मनाई फरमावी हती। दर वर्षे अषाढ़ी बीजनी वहेली परोड़े जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में उपस्थित रहता हता अमित शाह, परंतु गत वर्षे कोरोनाना कारणे ते नहोता आवी शक्या। हाल में कोरोनाना केसों घटी रहा छे अने वेक्सिनेशन पर भार मुकवामां आवी रह्यो छे। आ संजोग में वधु भीड़ एकत्र न थाय ते उद्देश्य थी मर्यादित नागरिकों साथे कड़क प्रतिबंधों वच्चे अथवा तो अषाढ़ी बीजना दिवसे कड़क प्रतिबंधों वच्चे रथयात्रा निकलशे। गृहमंत्रीनी एक महीनामां बीजी गुजरात मुलाकात छे। नोंधनीय छे के आ पहेला 20मी जूने केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह अमदावादनी मुलाकाते हता। તેમણે અમદાવાદ સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે ઉપર અંદાજે રૂપિયા 80 કરોડથી વધુના ખર્ચે તૈયાર થયેલા 3 ઓવરબ્રિજ, વૈષ્ણોદેવી ફ્લાયઓવર બ્રિજ, ખોડિયાર કન્ટેનર યાર્ડ ફ્લાયઓવર બ્રિજ અને છત્રાલ પાનસર રોડ ખાતે રેલવે ઓવરબ્રિજનું લોકાર્પણ કર્યું હતું। ત્યારે અમિત શાહની આ મુલાકાતમાં પણ નવા જૂનીના એંધાણ ચોક્કસ નજર આવી રહ્યા છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત તક।